हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू द वर्कशीट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री स्टार्टिंग फ्रॉम द सम वन यूज़ द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर विच इज़ कि हमें नंबर लाइन का यूज़ करके हमें जो एक गिवन वैल्यूज़ है हमें इन्हें सॉल्व करना है द फर्स्ट वन इज़ थ्री मोर देन फोर मतलब हमें क्या बताना है देखो फर्स्टली आपको ये देखना है कि हमारी नंबर लाइन बनती कैसे है आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नंबर लाइन की लेंथ को लेते हैं Uh, कि हमें कितने नंबर्स तक उसको लेना है आपको पता है आप कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो लेफ्ट साइड भी और राइट right साइड भी मतलब जीरो के लेफ्ट साइड तक आप जितना नंबर ले सकते हो नेगेटिव नंबर्स आप उतना ले सकते हो ऐसे ही आप राइट right साइड भी जितना चाहो उसे उतना वैल्यूज तक ले सकते हो एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन में क्या वो कहना चाह रहा है क्या उसकी नीड है उसी अकॉर्डिंग हम अपनी लेंथ को यूज़ करेंगे ओके okay? जैसे हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं लाइक फाइव लेस देन वन अब फाइव लेस देन वन मतलब कि वन से फाइव लेस करना है मतलब लेस का मतलब हमारी लेस वैल्यू कहाँ जाती है लेफ्ट साइड जाती है ना मतलब हमें जो प्लस वन है प्लस वन के लेफ्ट साइड हमें जाना है कितना फाइव तक तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमें हम ज़्यादा लेने की हमें नीड नहीं है फोर या फाइव तक हम अपनी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि वन के तो हमें लेफ्ट साइड ही जाना है ना राइट right साइड तो हमें देखनी ही नहीं है वैल्यू तो हम वन के ज़्यादा हम टू थ्री तक भी ले, ले लेते तो भी इनफ होता ओके बट लेफ्ट साइड अब अपनी वैल्यू सिक्स सेवन माइनस सिक्स सेवन तक आप लेंगे या इससे ज्यादा भी लेना चाहें आप ले सकते हैं ओके सो फर्स्टली वी हैव ड्रॉ द नंबर लाइन हेयर एंड ऑलवेज रिमेंबर जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन एक लाइन ड्रॉ करके यूजिंग योर स्केल एंड देन यू कैन यू हैव टू टेक द सेम गैप सेम डिस्टेंस लेनी है आपको कि अगर आपने एक पॉइंट यहाँ लिया है तो दूसरा पॉइंट आप जितने डिस्टेंस पर ले रहे हो जैसे मैंने यहाँ वन वन सेंटीमीटर के गैप पर लिए हैं पॉइंट तो आप भी ऐसे कर सकते हो टू टू सेंटीमीटर भी ले सकते थे बट द गैप शुड बी सेम जितना आप ले रहे हो वैसा ही रहेगा पूरी नंबर लाइन में अब मैंने अगर इस नंबर से इस नंबर तक मैंने वन सेंटीमीटर का गैप लिया तो मैं आगे भी वन ही सेंटीमीटर का गैप लूंगी यूजिंग द स्केल ओके तो स्केल से हमने ये करके इसको हमने ये पॉइंट नोट डाउन करके एंड देन हम अपने नंबर्स करेंगे अब हमने जीरो ले लिया मिड में कहीं अब आपको पता है आपको ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू तो चाहिए ही नहीं ना क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ वन के अकॉर्डिंग दी है और वन से भी कम हो रही है वैल्यू तो मैंने यहाँ फोर फाइव तक ले लिया आप टू थ्री तक भी ले लेते ले तो कोई बात नहीं देन तो जीरो से राइट साइड हमने मैंशन कर दिया नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड ऐसे ही इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स आएंगे माइनस वन देन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन ओके एंड देन अब देखो क्या मेंशन करना था फाइव लेस देन वन वन से फाइव लेस लेना है वन से फाइव हमें कम लेना है तो फर्स्टली वन हमारा कहाँ है ये है हमारा वन अब वन से फाइव लेस मतलब हमें फाइव स्टेप्स uh, हमें पीछे चलना है लेफ्ट साइड जाना है तो काउंट कीजिए एक स्टेप हो गया वन टू Three, four, and... फाइव तो हम जब फाइव स्टेप मूव करें वन से तो हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस फोर मतलब हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया हमारा यहाँ पर माइनस फोर ऑल्सो एक और हम पार्ट इसका डिस्कस करेंगे लाइक सेवन मोर देन माइनस एट मतलब हमें सेवन ज्यादा लेना है किससे माइनस एट से अब माइनस एट से हमें ज्यादा वैल्यू लेनी है तो ज्यादा वैल्यू लेने का मतलब मोर का मतलब क्या होता है ज्यादा तो ज्यादा वैल्यू हमारी किस तरफ जाएगी राइट साइड जाएगी ना राइट right साइड अब हमारी कैसे जाएगी ओबेज हमें राइट साइड स्टेप मूव करने हैं तो देखो कैसे मूव करेंगे फर्स्टली अब आपको दिख रहा है कि माइनस वैल्यू से राइट right साइड जाना है मतलब लेफ्ट साइड तो हमें कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है तो हमने माइनस एट के पास में ही ले लिया माइनस नाइन इससे ज़्यादा तक हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमें जाना ही नहीं है तो राइट right साइड हमें वैल्यू ज़्यादा लेनी है तो जो मैंने अपने नंबर लाइन है वो माइनस से स्टार्ट कर दी ऐसे ही माइनस एट माइनस सेवन एंड ऑन so हमने अपने नंबर यहाँ पे शो कर दिया अब देखो क्या करना था सेवन मोर देन माइनस एट माइनस एट से हमें सेवन मोर लेना है मतलब ज़्यादा लेना है मतलब राइट साइड जाना है तो फर्स्टली टेक द नंबर विच इज़ माइनस एट माइनस एट हमने ले लिया अब सेवन मोर का मतलब सेवन स्टेप्स मूव करने हैं दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सॉरी हमें सेवन स्टेप्स मूव करने थे ना तो हम जब सेवन स्टेप्स मूव करेंगे दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हमारा जो आंसर वो आया आया वो कितना आ गया हमारा माइनस वन तो आंसर क्या आया यहाँ से हमारा माइनस वन सिमिलरली आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं आफ्टर दिस क्वेश्चन टू फाइन द सम ऑन अ नंबर लाइन अब हमें जो ये वैल्यूज गिवन है इसको हमें नंबर लाइन पर ही सॉल्व करना है हमें जो ऐड है ये नंबर लाइन पे ही हमें इसे करना है लाइक द पार्ट वी आर टेकिंग बी पार्ट माइनस सेवन प्लस टू माइनस सेवन प्लस टू क्या मतलब है इसका देखो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम उसी ही वे में है कि माइनस सेवन में प्लस करना है प्लस मतलब ज्यादा लेना है मतलब राइट right साइड चलना है कितना टू मतलब माइनस सेवन लेने के बाद हमें टू स्टेप किस तरफ मूव करने पड़ेंगे राइट साइड तो सेम जैसे हमने यहां नंबर लाइन अपने बनाई थी सेम ऐसे आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे यूजिंग योर पेंसिल ओनली पेन से नहीं करेंगे आप ये एंड देन आप देखो क्या करना था माइनस सेवन में टू प्लस मतलब टू ज्यादा मतलब राइट right साइड तो फर्स्टली कंसिडर द नंबर माइनस सेवन अब टू मूव करना है हमें फर्स्टली वन एंड देन टू टू स्टेप्स मूव करे तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस फाइव तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया इसका माइनस फाइव ओके ऑल्सो वी आर टेकिंग वन मोर पार्ट लाइक माइनस फाइव प्लस माइनस फोर ब्रैकेट्स में वैल्यू गिवन है देखो माइनस फाइव प्लस माइनस फोर फर्स्टली हम इसको सॉल्व कर देते हैं वी नो कि टू साइंस एक साथ नहीं होने चाहिए तो उन टू साइंस को हम एक ही साइन बना देंगे फर्स्टली माइनस फाइव ब्रैकेट में था इसको हमने ब्रैकेट रिमूव कर दिया सिंपल माइनस फाइव हो गया क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं था अब प्लस और माइनस एक साथ आ गए इसकी मैंने आपको पहले भी टेबल बताई है जब कोई टू सिंबल एक साथ आ जाते हैं मतलब वो प्रोडक्ट हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड यू नो वेरी वेल कि प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या बनती है हमारी माइनस प्लस को अगर से किया जाता है तो प्लस बनता है मल्टीप्लाई करने पर प्लस को माइनस से किया जाता है तो वैल्यू क्या बनती है हमारी माइनस और अगर माइनस को प्लस से करें तो भी वैल्यू क्या बनेगी माइनस और अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा प्लस ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल ऑलवेज सो नाउ है प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस हमारा क्या बन जाता है माइनस एंड द नंबर इज माइनस फोर अब इसका क्या मीनिंग निकल गया कि माइनस फाइव में से हमें फोर माइनस करना है फोर माइनस मतलब फोर लेस करना है मतलब माइनस फाइव से हमें लेफ्ट साइड फोर स्टेप मूव करने हैं सो फर्स्टली टेकिंग द नंबर माइनस फाइव अब फोर स्टेप्स कम करने हैं मतलब फोर लेफ्ट साइड चलना है तो चलिए वन टू थ्री एंड फोर तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से माइनस नाइन ओके आफ्टर दिस नेक्स्ट वन माइनस टू प्लस वन प्लस माइनस टू इसको देखो हम वैसे टू मेथड से कर सकते थे मैं दूसरा भी मेथड आपको इसमें बताऊंगी फर्स्टली uh, देखो uh, इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे हम फर्स्टली माइनस टू प्लस वन सिंपल था एज इट इज आ गया, देन अगेन टू सिंबल्स एक साथ आ गए प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा हमारा माइनस टू तो अब देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर क्या है माइनस टू है तो जीरो से ही स्टार्ट होता है ना जीरो से हम फर्स्टली कहाँ पर आ गए माइनस टू पर आ गए पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें हम डायरेक्ट आ गए थे जैसे माइनस फाइव था तो हम डायरेक्ट माइनस फाइव पर आ गए थे अब इसमें मैं आपको दोनों वे से बता रही हूँ फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता ही दिया सेकेंड मेथड भी हम यहाँ कर रहे हैं कि हम पहले जीरो से ही तो स्टार्ट हुआ होगा तभी तो माइनस टू पर आए ना माइनस टू का मतलब क्या है माइनस आगे लग गया मतलब लेफ्ट साइड जाना है कम करना है तो जीरो से स्टार्ट हुआ और से शुरू हुए तो रीजन से हम टू स्टेप मूव करें तो कहाँ आ गए हम माइनस टू यहाँ तक आ गए अब माइनस टू आने के बाद कहता है प्लस वन प्लस वन का मतलब राइट right साइड हमें एक स्टेप मूव करना है तो अब हम माइनस टू से जब राइट साइड वन स्टेप मूव करेंगे ये यह हमने यहाँ से यहाँ गए तो हम किस पे आ गए वन पे आ गए अब अगेन क्या कहता है वन के बाद माइनस टू माइनस टू का मतलब टू कम करना है मतलब टू लेफ्ट साइड जाना है तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे वन एंड टू टू स्टेप्स मूव करें तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस थ्री सो योर आंसर इज माइनस थ्री हेयर सो यू हैव टू कंप्लीट दिस सम वन एंड टू यूजिंग दिस रूल्स इन योर फेयर नोटबुक थैंक यू